अब जो लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो तो अभी लगे हुए पढ़ाई के अंदर, क्योंकि नौकरी निकली हुई हमारी, रोज की नौकरी निकल रही है, वो पढ़ाई करने लगे हुए हैं। जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो यूनियन बना करके दबाव दे रहे सरकार पर, अरे तुम पढ़ाई करो नौकरी लग जाएगी, और लखनऊ जाओगे नौकरी कैसे लगेगी उसकी, वो कैसे पढ़ाई करेगा, वो टाइम ही नहीं मिलेगा उसको। ये जो भड़का रहे लोग कुछ तो, और कुछ तो इलेक्शन में खड़ा होना चाहते आगे, उन नेता से बन गए हैं, वो खुद तो नौकरी नहीं करेंगे, अगर उन्हें नौकरी लग भी जाए तो ज्वाइन नहीं करेंगे, ऐसे लोग हैं। वो खाली उनको भड़का करके नेतागिरी करके अपना लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, कल बीजेपी या कांग्रेस टिकट दे दे उनको, और कोई उनका स्वार्थ नहीं। मैं छात्रों से या नौजवान से कहना चाहूंगा इस मौके पर, ऐसे लोगों के आप चक्कर में मत आओ, अपना काम करो, पढ़ाई करो, जैसे कि आपकी संभावना बढ़ रहा है सिलेक्शन होने के अंदर, सिलेक्शन संभावना बढ़ रहा है, आपके लिए नौकरियों के द्वार खोल रखे हमने, 28,000 नौकरियां हमने कोर्ट से केस विड्रो करके दिए इन लोगों को, 28,000 नौकरियां, ये शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, ये तो हमारे चैंपियन रहे हमेशा। आप बताइए हिंदुस्तान के अंदर इतिहास में कभी जो SLB फाइल हुई है हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में, सरकार ने खुद ने SLB फाइल की है, कभी विड्रो हुई है क्या आज तक? स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान की है और ये मंत्री बैठे, पूछो उनको कितनी हम SLP विड्रो कर रहे हैं, कि चलो कोई बात नहीं बच्चों को भला हो जाएगा। जिस सरकार इस रूप में अपने बेरोजगारों का ध्यान रख रही हो, परिवार के सदस्य के रूप में रख रही हो, वो क्या लखनऊ जा करेंगे? हम जैसे परिवार के वो क्या, वो अपने योगी जी और मोदी जी है क्या उनके, बताइए आप।